आज हम देखने आए हैं वापी के चला गांव में आए हुए मनोरंजन नगरी को। इसमें राइड्स और शॉप्स वाला फेयर तो था ही, पर यहाँ की स्पेशल बात थी इसमें आई हुई अंडर वाटर फिश टनल और साथ में मौत का कुआं। तो चलिए देखते हैं इस फेयर को। एंट्री करते ही सामने ये दिखता है, इस पर लिखा है इंडियास लार्जेस्ट अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो और इसकी एंट्री फीस 100 रुपए है। टिकट्स लेकर यहाँ से आगे जाना है। एंट्री गेट में बड़ा सा पिरान्हा का पोस्टर लगा हुआ है। वहाँ सामने शार्क के पोस्टर भी काफी बड़े बड़े हैं। यहाँ शायद फोटोस क्लिक करने पर अच्छे लगेंगे। पिरान्हा का ये पोस्टर दोनों साइड सेम ही है। चलिए अब वहाँ जाते हैं। तो एंट्री का मेन गेट ये वाला है। अभी शाम के 6 बजे हैं, पर ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। अगर आप रील या फोटोज पोस्ट करते हैं तो इन्हें टैग जरूर करना, शायद कुछ प्राइज मिल जाए। ये सब तो सिंपल एक्वेरियम है, अंडरग्राउंड टनल बोल के हमारा कार्ड तो नहीं लिया ना। चलिए अब इसे ही देख लेते हैं। ये कोई फिश कितनी बढ़िया लग रही है। चलो आगे चलते हैं। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है सभी मछलियाँ। ये मछलियाँ यहाँ कोने में इकट्ठा होके पता नहीं क्या कर रही है। ये गोल्ड फिश कितनी प्यारी है ना, सबकी फेवरेट होती है ये। ये तीनों तो पक्के दोस्त लगते हैं। ये शार्क मछली तो देखो कितनी बड़ी है। ये वाली काफी एक्टिव है, इसकी पूंछ पर शायद किसी मछली ने काट लिया है। ये शायद पिरन्हा मछली है ना। ये सब एक ही जगह क्यों इकट्ठी हो रही है। चलो फाइनली एक गैलरी तो खत्म हुई, यहाँ से दूसरी गैलरी शुरू होती है। दोनों गैलरियों में वॉल माउंट एक्वेरियम ही तो है, अंडरग्राउंड टनल कहाँ है यार। इस टैंक में एंजल फिश है, ये देखो साथ में श्रिम्प्स भी है। वो पत्थर के ऊपर वाला काफी बड़ा श्रिम्प है। ये दूसरा अलग कलर का है। अरे भाई वो तो हाईफाई करना चाहता है। ये एक और कलर का दिखा। इस टैंक में जापानीज कोई फिश है, ये काफी बड़ी साइज की हो सकती है। वैसे थोड़ा थोड़ा मजा तो आने लगा है ना भाई। इसे तो देखो, यहाँ ढेर सारी अलग अलग कलर्स की फिशेस ग्रुप में कितनी बढ़िया लग रही है। ऐसा एक घर पे बना देना चाहिए, है ना, अच्छा लगेगा। लेकिन भाई ये बात भी सही है कि बाद में मेंटेन कौन करेगा। ये शायद फायर रेड ऑस्कर फिश है, कितनी सारी है यहाँ पर। भाई कुछ भी कहो, ऑस्कर फिश की अपनी एक पर्सनालिटी होती है जो सिर्फ फिश लवर्स ही देख पाते हैं, सही कहा ना। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अच्छी अच्छी फिशेस आ रही है। इसे देख लो ध्यान से, ये ईल मछली है। गलती से भी इसे छू लिया तो ये अपने थॉर मोड को एक्टिव करके बड़ा सा बिजली का झटका देगी। अभी तो हम सेफ डिस्टेंस पर पानी के बाहर है। ये ऑस्कर जैसी ही दिखने वाली पता नहीं कौन सी फिश है। यहाँ सब जगह फिश टैंक के पास फिश के नाम लिखने चाहिए थे। इस फिश की साइज को तो देखो कितनी बड़ी है। ऐसे मारो मत भाई, टूट जाएगा ये। ये शायद
जायंट गोरामी फिश है ना। यहाँ देखो शार्क मछलियाँ है, कोने में बैठ के वो भी बेबी शार्क वाला गीत गा रही होगी। शायद ये स्नेक हेड फिश है, कितनी सुंदर लग रही है। ये हेल्दी भी है और एक्टिव भी है। फाइनली ये गैलरी भी खत्म हो गई और यहाँ सामने दिखे कुछ रेस ऑफ होप। भाई यहाँ सच में टनल है, मतलब कि हमारा नहीं कटा। लाइटिंग की वजह से पूरी टनल काफी बढ़िया लग रही है ना। बाद में फोटोज भी खींच जाते हैं, पहले देख लेते हैं। भाई आइडिया तो क्या गजब का लगाया है इन्होंने। ये टनल की दीवारें आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट वॉल और उसके बाद की वॉल के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। इससे सारी मछलियां हमेशा दिखती ही रहती है, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है। पर्सनली मुझे तो जगह का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा और रिफ्रेशिंग लगा, तो मैंने तो जी भर के एंजॉय किया। जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे मछलियों की साइज बढ़ रही थी। ये कॉन्सेप्ट वलसाड वापी के एरिया में शायद फर्स्ट टाइम आया है। इसके अंदर लाइटिंग भी काफी अच्छी है। एक्वेरियम या टनल को भी काफी अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया है और अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। इसकी वजह से अंदर घूमने में मजा आ रहा था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। ओ वाओ, वो मछली की फ्लिप देखी आपने? चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं, दूसरों को भी देखने का मौका देते हैं। यहाँ देखो ये शायद एलिगेटर फिश है ना। इसका मुंह तो देखो मगरमच्छ की तरह ही दिख रहा है। ये अरवाना फिश है, ये भी साइज में काफी बड़ी होती है। वो देखो वहां पर दूसरी अरवाना भी है। ये दो तो कपल ही लग रहे हैं। और ये पीछे से विलन की एंट्री हुई। टनल का अरवाना वाला हिस्सा इसका आखिरी सेक्शन है और शायद ये यहाँ की सबसे बड़ी मछली है। वैसे तो अंदर काफी मजा आया। चलो अब यहाँ से बाहर जाते हैं। ये सामने ही हमारा फनफेयर दिख रहा है, पर इससे पहले ये दुकान वाले हमें कुछ बेचना चाहते हैं। देखते हैं कुछ काम की चीजें मिले तो। बच्चों के लिए यहाँ पर काफी सारी आइटम्स मिल रही है और उनके लिए कुछ एक्टिविटीज भी है। ये इमेजिका का टोरा टोरा राइड की तरह दिख रहा है। हम कब से वेट कर रहे हैं इसका ऊपर जाने का, अभी ऊपर चला गया है तो नीचे ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कब नीचे आने वाला है। काफी देर के बाद वो नीचे आना शुरू हुआ तो कुछ ऐसे। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ना, वो मौत का कुआं है। 90s के किड्स के बचपन की यादें जुड़ी हुई है इसके साथ। किसे नहीं याद होगा ये। हमने भी टिकट्स ले ली और जाने लगे सीधे ऊपर की ओर। भाई इसे तो कितने सालों के बाद देखा होगा, कम से कम 15 से 17 साल तो पक्का हो गए होंगे। सच कहूं तो अभी ये शुरू भी नहीं हुआ, पर इसे देखकर ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पास में आप खड़े रह सकते हैं और राइट साइड में बैठकर भी देख सकते हैं।
चाहो तो ऊपर से खड़े रहकर भी देख सकते हैं। चलो फाइनली चालू होगा अब। ये अकेला ही चलाने वाला है क्या? थोड़ी देर में वो सचमुच कुछ राउंड्स घूम के चला गया। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के लिए चली गई थी। जब वापस आई तो सब वापस खुश हो गए। स्टंटमैन्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में पहला आदमी गया, दूसरा आदमी भी पलक झपकते उसके साथ हो गया। अब सिर्फ बुलेट वाले भैया ही बाकी है, वो भी ऊपर आ गए। तीन तीन बाइक ऐसी डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज में चलाना काफी हिम्मत वाला काम है। मैंने पैसे देने के लिए हाथ आगे किया पर फर्स्ट ट्राई फेल रही। दूसरी बार उसने अच्छी ट्राई की पर वो हवा में उड़ गए। बुलेट वाले भैया अब नीचे उतर गए थे और वो दोनों अभी भी गोल गोल घूम रहे थे। इस बुलेट वाले ने कार पीछे ली और फर्स्ट गियर में डालकर उसे भी वॉल पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो बाइक वालों के साथ आ गया और कार की विंडो से ऐसे हॉरिजॉन्टल चलती कार में से बाहर आ गया। भाई इनके फेस पर जरा सा भी डर नहीं दिख रहा था। मुझे तो यहां पर भी काफी मजा आ गया, इसलिए मैंने वापस पैसे देने की ट्राई की और इस बार वो सक्सेस रहा। दस से पंद्रह मिनट अलग अलग स्टंट्स दिखाने के बाद वो सब नीचे उतर गए और शो को खत्म किया। हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया। ऊपर से पूरे मेले का व्यू मिल रहा था। लाइटिंग की वजह से सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बाकी की राइड्स तो सब लोगों ने ही देखी होगी, वैसे कॉमन थी। बच्चे उसे काफी एंजॉय करते हैं। हम भी वहां से बाहर की ओर जाने लगे क्योंकि रात भी हो गई थी और हमें अपने घर भी पहुंचना था। बाहर निकलते हुए देखा कि जो जगह खाली थी अब वहां पर खड़े रहने की भी जगह नहीं है। अगर आपको ये जगह और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।